नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए कैंसर का ईयरली फोरकास्ट 2020 का, पूरे साल का प्रेडिक्शन। बेस होगा आपका मून साइन, बेस होगी आपकी चंद्र राशि। कैंसेरियन के लिए कर्क राशि के लिए 2020 का पूरे साल का वार्षिक भविष्य, और इस पूरी प्रेडिक्शन का बेस है आपकी चंद्र राशि और बेस है भारतीय ज्योतिष शास्त्र। कई बार लोगों को अपना चंद्र राशि नहीं पता होता, वो सन साइन को जान लेते हैं, जो जानना बहुत आसान होता है, क्योंकि सन साइन आप इस डेट से इस डेट तक आपका ये साइन हो गया, इस डेट से इस डेट तक आपका वो साइन हो गया, वो आप पता कर सकते हैं। मून साइन जानने के लिए बस चार्ट चाहिए, जन्म कुंडली चाहिए, और जन्म कुंडली से पता चलेगा आपका चंद्र राशि कौन सी है। सन साइन को बर्थ चार्ट से उस तरह से कोई इसका लेना देना नहीं, उसका जानने का मापदंड आसान है। और कई बार सन साइन से लोग इस प्रोडक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं, जो गलत है, टेक्निकली रॉन्ग है, पता होता नहीं। मेरा ये कहना है कि इस प्रोडक्शन को ज़रूर फॉलो करें, इन वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो करें, लेकिन पहले अपनी चंद्र राशि पता करें, फिर चंद्र राशि आप अपने बर्थ चार्ट से पता करके फिर उसको फॉलो करें, तभी आप इस वीडियोज़ के इन फोरकास्ट का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कर्क राशि का ईयरली फोरकास्ट 2020 का बेस है आपकी चंद्र राशि, और अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, इसकी लग्न राशि भी बेस बना के आप देख सकते हैं, तब भी अप्लाई हो जाएगा। बिजनेस प्रोफेशन करियर 2020 के अंदर कैंसरियन आपके लिए क्या है, ये पूरे साल के अंदर आप बहुत हाई पावर्ड, बहुत प्रोडक्टिव, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर की तरह आप होंगे पूरे 2020 के अंदर। कैंसरियन, आपको अपनी लाइन का पता है, आपका फोकस बहुत यूनिक है, आपका इंटरेस्ट अपने प्रोफेशन में पूरा है, आप किसी भी हिसाब से अपोजिट बहुत डिसएग्रीबल सर्कमस्टेंसेस के अंदर काम भी कर सकते हैं, और आपका जो एम्बिशन है उसको फुलफिल भी कर सकते हैं। आपके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है जो जिसमें आप काम कर सकते हैं एज ए कंसल्टेंट। ये 2020 का साल आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होगी, आप एज ए कंसल्टेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपकी स्ट्रेटजीज, आपके मेथड काम आएंगे। और अगर आपका प्रोफेशन का ताल्लुक मेडिसिन से है, फार्मेसी से है, लीगल प्रैक्टिस से है, टेक्नोलॉजी से है, फैशन से, डिज़ाइनिंग से है, आप आउटस्टैंडिंगली आप अचीव करेंगे, परफॉर्मेंस आपकी बहुत बड़ी होगी, और दुनियावी समझ आपके पास है, पार्टनरशिप भी आपको बहुत बड़ा मौका देगी, जॉइंट वेंचर में आप जा सकते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट लेके आ सकते हैं और बहुत बड़ी डील बना सकते हैं। कई बार आप चाहेंगे खुद अपना बॉस बनना, विच इज़ गुड, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड ईजी नहीं होता, सेल्फ एम्प्लॉयड होना भी ईजी नहीं होता। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप होना चाहते हैं तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा लेके आना होता है, लेकिन आप किसी बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के अंदर बहुत अच्छी लीडर की तरह बहुत कामयाब हो सकते हैं। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस पूरे टाइम के दौरान अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ झगड़े मत कीजिएगा, और किसी भी तरह के बिजनेस प्रोफेशनल डिस्प्यूट से बच के रहें, और किसी भी तरह की प्रोफेशनल डिस्प्यूट में उसको लीगैलिटी लेवल पर ना लेके आए प्लीज़। और आपको हर जॉब के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सीरियसली निभानी पड़ेगी, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, डिटैच डेटी के साथ कई बार काम करना पड़ सकता है, और अपनी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपका प्रोफेशन का ताल्लुक इंजीनियरिंग से है, टेक्नोलॉजी से है, मेडिसिन से है, कंसल्टेंट वर्क से है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सक्सेस बहुत डिग्निफाइड होगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस पीरियड के दौरान ये हो सकता है कि ये जो टाइम पीरियड है, सक्सेस आपको मिलेगी, फेम आपको मिलेगी, लेकिन बहुत हार्ड वर्क करने के बाद, लेकिन अपने फील्ड में आप टॉप पे जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, प्रोफेशनल लोग आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, बहुत बड़े डिबेट्स में हिस्सा करने का पार्टिसिपेट आप करेंगे, और करियर आपका इम्प्रूव होगा, ग्रो करेगा, एंटरप्राइज जो मिल रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी, सक्सेसफुल आप होंगे, नाम आपका होगा, तरक्की आपकी होगी, पॉलिटिकल आप बहुत यूनिक अचीवमेंट हासिल करेंगे। और लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, अगर बिजनेस प्रोफेशन में कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिना पूछे ना करें, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, डिसीजन मेकर आपको सपोर्ट करेंगे, डिसीजन मेकर आपके साथ होंगे। मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंट बिजनेस शायद इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा
जितना कि आप किसी के लिए कोई हाई प्रोफाइल जॉब करें। हाँ ये है कि ये पूरा साल अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन मेडिसिन से है, टेक्नोलॉजी से है, इंजीनियरिंग से है, सर्विस से है, आप कंसल्टेंट हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट होगी ये पूरे साल में, ये पक्की बात है। कैंसिलेंट क्या आप जानना चाहते हैं कि 2020 का साल आपकी जॉब, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेके आएगा, कामकाज के पैसे के हालात क्या होंगे। कैंसिलेंट क्या आप जानना चाहते हैं कि 2020 का साल आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी। कैंसिलेंट कर्क राशि के दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि 2020 का साल आपकी हेल्थ कैसी होगी। क्या आप जानना चाहते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं आपका एजुकेशनल करियर, आपके इंटरव्यू, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे होंगे। क्या आप जानना चाहते हैं 2020 के साल आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कॉम्प्लिकेशन को, अपनी ऑब्स्टिकल्स को, अपने टाइम वैक्यूम और डिलेज को किस तरह से इन पे काबू पाएंगे और किस तरह से टाइम नेविगेशन को लेके अपने रास्ते को आसान करेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। अगर आपका सवाल यस है, अगर आपका जवाब यस है, मेरा सवाल तो मैंने आपसे कर दिया, अगर आपका जवाब यस है तो आप किस चीज़ की इंतज़ार कर रहे हैं। आप मून साइन ईयरली रिपोर्ट ले लें, मून साइन ईयरली हॉरोस्कोप का रिपोर्ट आपको वीडियो रिटर्न दोनों में मिलेगा। इंग्लिश वीडियो जो मिलती है देते हैं कैंसिलेंट के लिए वो है 1 hour 32 minutes की पूरी वीडियो है। रिटर्न जो रिपोर्ट है वो 8,257 शब्द लिखे हुए हैं कर्क राशि के लिए बारे में, पूरे साल की प्रोडक्शन है जिसमें सभी ग्रहों का ट्रांजिट, जिसमें चार प्रमुख ग्रहों का ट्रांजिट है, उनके क्या हालात होंगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या उपाय हैं, प्लस आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके करियर, आपके एजुकेशन, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, सब की प्रोडक्शन है। और क्या मुश्किलें होंगी, क्या हल होंगे, क्या प्रिकॉशन होगी, क्या मंत्र साधना होगी। हिंदी ईयरली वीडियो रिपोर्ट 1 hour 8 minutes की, बहुत थॉरो वर्क किया गया। अगर आप चाहते हैं टाइम नेविगेशन जो आने वाला है पूरा साल आपके लिए क्या होगा, क्या आपका लक्ष्य है, क्या किस तरह से आपको पहुंचना है और क्या रुकावटें होंगी और किस क्या उसके सोल्यूशन होंगे, तो उस टाइम नेविगेशन की पूरा एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना के आप 2020 का पूरा साल उसमें एक रेफरेंस फाइल की तरह, एक गाइड की तरह उसका प्रयोग करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस 2020 के ईयरली फोरकास्ट जो ब्रीफ जो प्रेडिक्शन है उसको आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप पूरी डिटेल्ड ईयरली फोरकास्ट रिपोर्ट देखना चाहते हैं अपने मैरिड लाइफ के बारे में, रोमांटिक लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, अपने फाइनेंशियल बैकिंग के बारे में, अपने करियर प्रॉस्पेक्ट के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में और बहुत सारे उसमें चैप्टर्स दिए गए हैं डिटेल्ड ईयरली रिपोर्ट के अंदर, तो आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर जाएं और prakashastrologer.com पे जाके आप डिस्कवर कर सकते हैं कि अगर आप किस तरह से आप रिपोर्ट ले सकते हैं और क्या पोटेंशियल है 2020 के आपके लिए, क्या रुकावटें हैं और किस तरह से आप उन पोटेंशियल्स को मीट कर सकते हैं और आप उन ऑब्स्टेकल से निकल सकते हैं पूरे साल के अंदर। अगर आप हमारे लिए बिल्कुल नए हैं और फिर भी चाहते हैं पूरे 2020 की रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि किस तरह की होगी, तब कृपया करके आप 2019 का व्यू देख लीजिए। 2019 की अब डिटेल्ड रिपोर्ट हमने बहुत डिटेल्स में दी रखी है, वो एक सैंपल है। 2019 का अपना आपकी मून साइन के मुताबिक जो ईयरली रिपोर्ट है उसको आप देख लें तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या उसमें आइडिया क्या है। चलता हूँ, लौट के मिलूँगा बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। लेकिन 2000 वीडियो 2020 की, नए साल की 2020 का ईयरली फोरकास्ट की जो वेरी थॉरली ईयरली रिपोर्ट है उसको ज़रूर लें आप हमारी वेबसाइट पर जाके। थैंक यू।